नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। जिंदगी में कामयाबी हर कोई पाना चाहता है, और अगर आपको कामयाबी पानी है तो लीक से हटकर कुछ करना पड़ेगा। अगर आप उसी रूटीन में चलते रहेंगे तो यकीन मानिए, ना तो आप जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे, ना ही लीक से हटकर कामयाबी पा पाएंगे। रूटीन से हटकर सोचना शुरू कीजिए। आपको अगर कामयाबी पानी है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते हैं तो जीवन में हम कुछ भी पाने की उपलब्धि को नहीं पाते, हम उसी लीक में चलते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमें ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला। अक्सर क्या होता है कि हमें जो जगहें पसंद हैं, जो खाना पसंद है, हम सिर्फ उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं, कुछ नई चीज़ को ट्राई करने की सोचते नहीं, कोई किसी नई जगह पर जाने का सोचते नहीं। हमें लगता है अरे भैया बस वहीं पर सुविधाएं उपलब्ध है, वही खाने की चीज़ हमारे लिए अच्छी है, बस हम वही चीज़ों का प्रयोग करें। तो उससे क्या है, ज़िंदगी एक ही ढर्रे पर चलती चली जाती है। ये चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे घूमने की चीज़ हो, और फिर चाहे कामयाबी पाने की चीज़ हो, सभी के ऊपर एक ही तरह के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। माइंड सेट हमारा कैसा चलता है उसके ऊपर बहुत बड़ा डिपेंड करता है। तो अगर आपको ज़िंदगी में सफलता पानी है तो हमें बड़ी सारी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपने डर से आंख मिलानी पड़ेगी। कई बार हम लोग अपने अंदर ऐसा सा डर बिठा लेते हैं, जैसे सपोज़ किसी को पानी से डर लगता है वो समुद्र में नहीं जाएगा, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को रात को हॉरर फिल्म देखने से डर लगता है। तो क्या आप भी ऐसी चीज़ों से डरते हैं? तो सबसे पहले अपने डर से आंख मिलाना शुरू कीजिए। और जिन चीज़ों से डर लगता है, अगर आपको पैराग्लाइडिंग से डर लगता है, पानी में जाने से डर लगता है, तो अगली बार आप जब जाएँ तो पैराग्लाइडिंग ज़रूर करें। जब आप पैराग्लाइडिंग करेंगे तो आँख बंद के करके करिए, क्योंकि आप बंधे हुए हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं नीचे नहीं गिरेंगे। अपने डर से जीतना सीखें। जिस दिन आप डर से जीतना सीख जाएंगे उस दिन आप कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ जाएंगे। दूसरी बात, हम लोग गिनी चुनी भाषाओं में ही अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं, और अगर हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हम ये कहते हैं कि भैया हमें तो उस जगह की ये भाषा आती ही नहीं है। तो नई भाषा के ऊपर अपनी पकड़ बनाना सीखिए। नई भाषा को हर पल हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की आदत डालिए, चाहे वो नई भाषा है, चाहे वो नई स्किल है। तो मैं यहाँ पे जोड़ दूंगी, नई भाषा के ऊपर अपना ध्यान देना शुरू कीजिए, नई भाषा सीखने शुरू कीजिए। जैसे आजकल लोगों में फ्रेंच सीखने का बड़ा क्रेज़ है, अगर आपको बाहर जाना है तो आपको फ्रेंच भी आनी चाहिए, जर्मनी भी आनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं वहाँ जाकर बाहर कौन से ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो नई भाषा पे अपनी पकड़ बनाना सीखिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, नई नई स्किल्स को सीखना शुरू कीजिए। काम छोटा बड़ा कुछ नहीं है। अगर आपको किचन का काम नहीं आता, किचन का काम सीखिए। कंप्यूटर नहीं आता, कंप्यूटर सीखिए। जो भी कुछ लीक से हटकर जो लोग कहते हैं आप नहीं कर पाओगे, उस काम में अपना हाथ आजमाइए। लोगों को चैलेंज देने की बजाय अपने आप को चैलेंज दीजिए। कैन आई डू दिस? यस आई कैन डू दिस। इस चीज़ को अपने अंदर जगा लीजिए, इस जुनून को अपने अंदर जगा लीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं यार ये मेरे बस का नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊँगी। नहीं, दुनिया की कोई ताकत, कोई चीज़ असंभव नहीं है। अगर आप ठान लें, अपने मन को मना लें कि यस मैं ये काम कर सकती हूँ, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, कोई भी ताकत। अपने आलस्य को त्यागे। कई बार हम लोग इतने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि हम लोग अपने आलस को, अपने कोजीनेस को, अपने आराम को छोड़ना नहीं चाहते। अगर ज़िंदगी में सफलता पानी है तो अपने आलस्य को छोड़ना होगा। अगला टिप, आपको अपनी फिटनेस पे काम करना होगा। हम लोग बैठे बैठे लॉकडाउन में खाने पीने की आदत हो गई है, सेहत बना ली है, और हमें लगता है हम बहुत अच्छे अच्छे खाते करके हैं। अगर हम फिटनेस के लिए उठकर जॉगिंग में जाएंगे तो नित नए लोगों से जॉगिंग करते हुए मिलेंगे, नित नए लोगों से एक्सरसाइज करते हुए मिलेंगे। तो जगाइए अपने अंदर भी जुनून पैदा कीजिए कि हमें फिट भी रहना है, हमें स्वस्थ भी रहना है, हमें अपनी उम्र से छोटा भी दिखना है। क्या ये इतना मुश्किल है? क्यों हम 70 साल के हैं तो हम 80 साल के दिख रहे हैं? क्यों हम 60 साल के और 70 साल के दिख रहे हैं? तो अपनी फिटनेस पे काम करना शुरू कीजिए। दूसरी बात, नापसंद चीज़ें भी खाइए। हम लोगों ने अपने खाने से घिया, करेला, टिंडा, तोरी, ये सब चीज़ें निकाल दी। अरे भैया ये चीज़ पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? कुछ अच्छे तरीके से बनाइए, कुछ किचन में काम करना शुरू कीजिए। जो चीज़ें नहीं अच्छी हैं उनको इस लायक बनाइए, क्योंकि ज़िंदगी में पसंद नापसंद सबकी अलग अलग है। बट नापसंद चीज़ों को खाना शुरू कीजिए, नापसंद चीज़ों को पसंद करना शुरू कीजिए, उनके कुछ अच्छे सकारात्मक पहलू देखना शुरू कीजिए। हम कहाँ मार खाते हैं? जब हम ज़िंदगी में सकारात्मक पहलू देखना बंद कर देते हैं तब हम ज़िंदगी में मार खाते हैं। सकारात्मक पहलू को देखना शुरू कीजिए, नकारात्मक विचारों को अपनी ज़िंदगी से हटाइए। टाइम पे इन्वेस्टमेंट कीजिए,
एनर्जी मैनेजमेंट कीजिए, मनी मैनेजमेंट कीजिए। जब ये तीन चीज़ों पे आप काम करेंगे तो आपकी सफलता आपके पास होगी। कामयाबी चाहिए तो कुछ हट कर करना होगा, टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, एनर्जी की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, मनी की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो एक दिन में अमीर नहीं हो जाते हैं, उनको वो सब चीज़ें पाने के लिए, कुछ करने के लिए अपने अंदर जुनून जगाना पड़ता है, आत्मविश्वास जगाना पड़ता है, टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, एनर्जी की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, मनी की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो क्या आप किसी से कम हैं? जब हम अपने आप को सबसे ऊंचा समझेंगे, अपने विचार ऊंचे रखेंगे, उन विचारों को कार्यान्वयन करने के लिए अपने अंदर जुनून जगाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने से रोक नहीं पाएगी। एक बार दो बार आप असफल होंगे तो क्या होगा, हर बार गलतियों से भी कुछ नया सीखेंगे और हर बार ज़िंदगी में कुछ नया करने को मिलेगा। तो जगाइए अपने अंदर जुनून। सबसे पहला अपने डर से आँख मिलाइए, नापसंद चीज़ें खानी शुरू कीजिए, नई भाषा को सीखिए, आलस्य को त्यागिए, अपने फिटनेस पे काम कीजिए, अपने टाइम पे काम कीजिए, अपनी एनर्जी पे काम कीजिए, अपने फंड्स पे काम कीजिए। काबिलियत एक दिन में आकर आपके पैरों में नहीं गिरेगी, आपके लिए इसको लिए निरंतर चलना होगा। जैसे जैसे आप हर पल नया कदम बढ़ाएंगे, मंजिल के उतने करीब आते चले जाएंगे। यकीन मानिए आप एक दिन अपनी मंजिल के बहुत करीब होंगे। सपने सजाइए तो सही, सपने देखिए तो सही, उन्हें पूरा करने के लिए जुनून जगाइए तो सही, उन्हें पूरा करने के लिए आत्मविश्वास जगाइए तो सही। तो देखिए आपके पास चीज़ें खुद ब खुद आकर खड़ी हो जाएंगी। ज़िंदगी में कोई आपको जगाने नहीं आएगा, आपको अपने आप को, अपने मन को खुद जगाना होगा, अपना आत्मविश्वास खुद पैदा करना होगा। तो देरी किस बात की, उठिए, ये लेक्चर सुनिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। अच्छी चीज़ें सिर्फ अपने तक मत रखिए, दुनिया में उसे बांटिए, क्योंकि दुनिया में अगर खुशियाँ बांटेंगे, जो चीज़ जितनी ज़्यादा बांटेंगे वो उतनी ज़्यादा आपके पास आएगी। खुशियाँ बांटेंगे, खुशियाँ मिलेंगी, गम बांटेंगे तो आपके पास गमों का भरमार होगा। तो देखिए आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ब्लॉग drinurora.in के नाम से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम, धन्यवाद।